झारखंड की सीनियर आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल के खिलाफ 7 दिनों से चल रही ईडी की कार्रवाई में कई बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी ने इनमें से कई खुलासों के बारे में रांची के सीबीआई पीएमएलए कोर्ट को लिखित तौर पर जानकारी दी है। ईडी के अनुसार सीए सुमन कुमार सिंह से पूछताछ यह स्वीकार किया गया कि यहां से बरामद किए गए लगभग 15.25 करोड़ रुपये से ज़्यादातर राशि आईएएस पूजा सिंघल की है। ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में असिस्टेंट डायरेक्टर विनोद कुमार ने अदालत को सीए सुमन कुमार से हुई पूछताछ के कुछ ब्यौरे दिए हैं। इसके अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ईडी को बताया है कि पूजा सिंघल के निर्देश पर उनके परिवार में स्वात्विक वाले प्लस अस्पताल की जमीन खरीदने के लिए एक बड़े बिल्डर को उसने 3 करोड़ रुपये नकद दिए हैं। अदालत को ईडी की ओर से दिए गए ब्यौरे में पूजा सिंघल की रिश्वतखोरी से जुड़े प्रकरण के बारे में भी बताया गया है। अफसर के बयान के अनुसार उसने 4 बार देखा कि जय राम विनोद सिन्हा ने पूजा मैडम को 5-5 सौ रुपए के नोटों वाली 18-20 गड्डियां सीधा बतौर रिश्वत दी हैं। यह राशि मनरेगा की योजनाओं में की जाने वाली गड़बड़ियों में एज्म दी जाती है। ईडी ने बताया है कि खूंटी के साथ साथ चतरा में पूजा सिंघल जब बतौर डीसीपी पोस्ट पे थी तब मनरेगा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई थी।